दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसा गेम जैसा एनिमेशन सीखेंगे। काइन मास्टर में आ चुके हैं, बैकग्राउंड ले लिया है। अब हम जाएंगे लेयर में और यहाँ से मीडिया में जाएंगे और एक ग्रीन स्क्रीन दौड़ता हुआ कैरेक्टर का वीडियो मैंने बनाया है। तो इसको हमें स्क्रॉप कर लेना है और फिर हमें क्रोमा की में जाना है और इसको एनेबल कर देना है। फिर इसको बीच में से अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमें कर लेना है और अब हम की पर क्लिक करेंगे और इस तरह से कर देंगे, कैरेक्टर को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और फिर हम प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से बन चुका है। अब हमें लेयर में जाना है और यहाँ से मीडिया में जाना है और मैंने कॉइन का इमेज लेकर बैकग्राउंड ये जो ऐप से इसका बैकग्राउंड हटा दिया था। तो इस पेन जो को मैं यहाँ पर ले आया हूँ, अब थ्री डॉट पे जाएंगे और इसका डुप्लीकेट कर देंगे इस तरह से और फिर हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो कैरेक्टर है वो पीछे जा रहा है तो इसको आगे ले लेंगे। थ्री डॉट पर जाना है और फ्रंट पर क्लिक कर देना है। तो अब फिर हम कॉइन की लेंथ को घटा देंगे। जैसे ही कैरेक्टर कॉइन को टच हो, कॉइन गायब हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें बनाना है। तो इस तरह से कर लेना है। कॉइन पर क्लिक करना है और आउट एनिमेशन में जाना है और साइड राइट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो दूसरे कॉइन में भी इसी तरह हमें कर लेना है। कॉइन की इस तरह से लेंथ को सेट कर देंगे जरूरत के हिसाब से और आउट एनिमेशन में जाएंगे और साइड राइट पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह हमें दूसरे कॉइन पर भी कर लेना है। ज़रूरत के हिसाब से कॉइन की लेंथ को घटा या बढ़ा लेना है। इस तरह से बार बार चेक कर लेना है कि कैसे हो रहा है और फिर जरूरत के हिसाब से इसकी लेंथ को बढ़ा या घटा लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन में जाकर साइड राइट पर क्लिक कर देंगे और फिर जरूरत के हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ा या घटा देना है। ऐसा बन चुका है। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो मैग्नेट का पीएनजी लिया है और कॉइन के भी पीएनजी लिया है। की पर क्लिक करेंगे और इस तरह से कर लेंगे। फिर कैरेक्टर को इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाना है। तो इस तरह से हो चुका है। आउट एनिमेशन में जाकर मैग्नेट और दूसरे कॉइन को साइड राइट कर देना है। आउट एनिमेशन का साइड राइट एनिमेशन का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फिर हमें इस तरह से प्ले करके देख लेना है कि कैसा बन रहा है। फिर जरूरत के हिसाब से इसकी लेंथ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ऐसा बन गया है। अब एक और एनिमेशन करके दिखाता हूँ। लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर एक तलवार का पीएनजी लेना है और इसको इस तरह से करके सेट कर देना है यहाँ पर। फिर ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और रिंग को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से हम फिंगर से इस तरह से कर सकते हैं। कितना आकर्षक दिख रहा है। जो भी अच्छा लगे उसको यहाँ पर हमें रख लेना है। की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से कर देंगे। फिर थोड़ा सा कैरेक्टर को आगे लेंगे और फिर से इस तरह से कर देंगे और फिर से कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और फिर से इस तरह से कर देना है और फिर से कैरेक्टर को इस तरह से आगे ले जाएंगे और फिर से इस तरह से कर देना है। तो इस तरह से हमें की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस तरह से जंप का एनिमेशन हो जाएगा। तो मैंने एक स्टोन को भी ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हमारा एनिमेशन बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए।